हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता। और अब जो वीडियो है वो है नायका हॉल, जो कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन में था। सो उसके बारे में ये वीडियो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू डिसअपॉइंट दोज पीपल जिनको नायका हॉल चाहिए था और सेल में मैंने बहुत कुछ लिया था। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट। मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसा ब्लश ढूंढ रही थी जो कि पिगमेंटेड हो, जिसको मुझे बार बार ड्रैग ना करना पड़े। पहले मैं शुगर का यूज़ करती थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आई हैव टू अप्लाई लिपस्टिक, देन आई हैव टू अप्लाई, देन तब वो एक अच्छा सा पिगमेंट आता था। बट जब मैंने ये के ब्यूटी का ब्लश लिया, सो द शेड नंबर इज या दिस इज मैट ब्लश। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट है, तो आपको शिमरी आपको अगर अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई हाईलाइटर। सो दिस इज नॉट अ शिमरी शेड, दिस इज मैट ब्लश। And sweet salmon is the shade number. And let me show you the color. So this is the color. इसको मैंने already अपने जो दिवाली वाला मेकअप है उसमें यूज़ करके दिखाया है। This is very pigmented, बहुत अच्छा है। और इसमें आपको छोटू सा मिरर भी मिलता है जिसको आप ऐसे करके देख भी सकते हैं। तो this is very handy. I really love this blush in my collection. Thank you very much K Beauty फॉर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ ब्लशेज। प्राइसेज जो है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, मुझे याद नहीं है तो मैं वो देख कर स्क्रीन पर डाल दूंगी। माई नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम नायका इज दिस वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो। नाउ आई एम ऑब्सेस्ड, पहले मैं पेंसिल यूज करती थी बट नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल, वॉट एवर यू विल से आईब्रो फिलर। सो इसमें आपको तीन शेड्स मिलते हैं, नॉट तीन से दो शेड्स मिलते हैं, एक लाइट ब्राउन एक डार्क ब्राउन। I used to apply this, sometimes I used to mix. और ये जो है ये आपको वैक्स मिलता है जस्ट टू सेट योर आईब्रोज, और उसके साथ आपको एक छोटू सा ये ऐसे स्पूली भी मिलता है। तो ये छोटू सा स्पूली है और ये ब्रश है, इससे इसी मैं तो अपना आईब्रोज इसी से ये करती हूँ। प्लस ये आपको इसके साथ एक छोटू सा प्लकर भी मिलता है, तो अगर आपको शेप बनाना है तो यू कैन डू। सो आई रियली लव दिस आईब्रो पैलेट। थैंक्स वेट एंड वाइल्ड टू प्रोवाइडिंग सच अ नाइस, आई थिंक इट्स वेरी फेमस ऑल्सो। मैंने भी किसी के रिकमेंडेशन पे लिया था बट नाउ इट्स माई फेवरेट वन। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी माई थर्ड फेवरेट प्रोडक्ट, दैट इज शुगर का। तो शुगर का ये कॉन्टोर है, इसका जो शेड है दैट इज सो नाइस। द कलर इज 01 फॉन फर्स्ट। ये आई थिंक मैंने अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स में भी दिखाया था। सो ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था नायका से, और इसका जो आता है टेक्सचर इट्स सो वार्म, आपके स्किन को जो फेस है उसको इतना वार्म करता है, बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कॉन्टोर स्टिक ढूंढ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। शुगर है, इंडियन ब्रांड है डेफिनेटली, तो आप इसको देख सकते हैं। आई रियली लव दिस, जस्ट लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस। या दिस इज द कंसिस्टेंसी, आई रियली लाइक दिस कलर, must say I really like this. Then moving on to the product which I never like, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये product लूँगी, but लेकिन मैंने, आपको पता है मैंने Air Black Beauty ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ले लेना चाहिए, हो सकता है यूज़ हो। तो मैंने ये लिप पेंसिल लिया, मैं कभी लिप पेंसिल अप्लाई नहीं करती हूँ तो इसके लिया, लेकिन ये बहुत सस्ता है, लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा सस्ता है। और उतने सस्ते में आपको इतना अच्छा जो कलर और पेंसिल मिल रहा है, बेस्ट ऑप्शन। सो दिस द ब्रांड नेम इज इन कलर एंड इंटेंस लॉन्ग वेयर लिप पेंसिल L02 वेम्पायर, माई शेड नंबर इज। तो अगर आपको कोई लिप पेंसिल चाहिए तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स आते हैं, यू कैन चेक आउट लाइक ऑन नायका। बहुत अच्छा पिगमेंट देता है, बहुत अच्छे से आपका ये शेप बनाता है। आई रियली लव दिस पेंसिल नाउ ऑनवर्ड्स। मुझे और भी अगर खरीदना हुआ तो मैं इन कलर के ही दूसरे पेंसिल कर दूंगी, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी वाइज भी तो वी हैव टू सी ना, जो कम प्राइस में जो बेस्ट देता है, आई थिंक दैट प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन। सो या मूविंग ऑन टू द स्किन केयर पार्ट, सो मैंने पहले, मैं बहुत हमेशा से लोटस वाइट ग्लो यूज करती थी, नाउ आई स्विच इट टू दिस लोटस प्रोफेशनल वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम, विच इज लाइक, जिसमें आपको SPF भी मिलता है 25 PA ट्रिपल प्लस। सो बेस्ट पार्ट ये थी कि बहुत अच्छे से, लोटस का मैंने पहले भी यूज़ किया है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपका, वो जो कास्टिंग ऐसा आ जाता है ना पॉन्ड्स का या लैक्मे का जब हम क्रीम यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं आता है, इट विल एब्जॉर्ब इन योर स्किन वेरी प्रॉपरली। तो ये है, और इसका
और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें SPF भी है, तो आप इसको डे टाइम में यूज कर सकते हैं। आप सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहते, सिर्फ ये यूज कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। माई लास्ट प्रोडक्ट इज, जो मैंने आज तक लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं खरीदूंगी, और मैंने इसको भी अपने एयर ब्लैक के मेंबरशिप की वजह से ही लिया, क्योंकि वहां पर जरूरत होती है तो मैंने लिया। मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं। सो मैंने ये नाइका से एयर लैशेज, नॉट एयर लैश, मैंने नाइका से ये फॉल्सीज लिए हैं, जो कि लेट मी शो यू। इसके साथ आपको एक छोटू सा ऐसे बहुत छोटू सा गम भी मिलता है, जिसको आपको प्रिक करना इज लाइक टास्क। मैंने क्लास के ड्यूरेशन पे ही इसको प्रिक किया था और बहुत मुश्किल हुआ था मुझे, प्रिक किए जाए थे नहीं हो रहा था, देन फिर मुझे सेफ्टी पे उसको प्रिक करके थोड़ा सा निकालना पड़ा। बट येस, एंड दिस इज दी लैशेज। लैश वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा ये, प्राइस वाइज भी अच्छा है। आई थिंक फॉर बिगनर्स दिस इज द बेस्ट वन। मैंने कभी और दूसरे यूज़ किए नहीं, तो मुझे क्वालिटी वाइज तो नहीं पता है कि और दूसरों की क्या क्वालिटी होता है, इसके क्या क्वालिटी है। लेकिन हाँ, जब मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे ज़्यादा हैवीनेस नहीं लगा था, मतलब ऐसा नहीं लगा था कि एकदम हैवी टाइप से हो गई है आईज, और मुझे लाइक कंफर्टेबल लग रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है फॉर बिगनर पर्पस। लेटर ऑन अगर मैं और आई लैशेज कभी भी लेती हूँ इन फ्यूचर, तो आई विल अपडेट यू, मैं उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट है। इसका जो MRP था दैट इज 200, मुझे बाय वन गेट वन मिला था, दूसरा वाला टूट गया, तो बाय वन गेट वन पे ये मुझे मिला था, तो 100 rupees का मुझे ये पड़ा था, तो विच इज ऑल्सो लाइक अफोर्डेबल, क्योंकि आप ये जो आई लैश होता है उसको आप कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने नाइका हॉल में लिए थे और नाइका सेल्स में लिए थे। और डू लेट मी नो कि आपको किस प्रोडक्ट का कोई चीज़ स्पेसिफिक पूछना हो, या इफ़ यू वॉन्ट की टू ट्राई एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी विच इज़ womania_diary। यू कैन फॉलो मी देयर एंड आस्क एनी क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस आई विल डेफिनेटली आंसर। सो या विद दैट मैं अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आप मुझसे जुड़े रहें। जब भी आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक शेयर तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। और यस, विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।